ऑफ वडोदरा। नॉर्थ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन द्वारा दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण रावण दहनो कार्यक्रम पोलो ग्राउंड खाते योजवामां आव्यो छे। उत्सव प्रिय नगरीमां दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण नॉर्थ इंडियन कल्चर एसोसिएशन द्वारा वर्षोनी परंपरा मुजब नवरात्रि उत्सव बाद दशहराની ઉજવણી રાવણ દહન તથા રામલીલા કરવામાં આવે છે। આ ઉત્સવની ઉજવણી વડોદરા શહેરના પોલો ગ્રાઉન્ડ ખાતે છેલ્લા 43 વર્ષથી કરવામાં આવી રહી છે। આ 44મા વર્ષે દશેરાના ઉત્સવની ઉજવણી રાવણ દહન તથા રામલીલા દ્વારા કરવામાં આવશે, જે અંગેની નોર્થ ઇન્ડિયન કલ્ચરલ એસોસિએશનના પ્રમુખ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજીને વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી। આ પરિષદમાં તેઓએ રાવણ દહન તેમજ રામલીલા અંગેની માહિતી આપી હતી। માહિતી દરમિયાન તેઓએ જણાવ્યું હતું કે 1 લાખથી વધુ લોકો અહીં આવવાની સંભાવના છે, જે માટે સીસીટીવી કેમેરા, પોલીસ બંદોબસ્ત, ખાનગી સિક્યુરિટી તથા મોટી સંખ્યામાં સ્વયંસેવકો તૈનાત રહેશે। તદુપરાંત આ ઉજવણીમાં વડોદરા શહેરના રાજકીય નેતાઓ સહિત ગણમાન્ય મહાનુભાવો, આર્મી ઓફિસરો, ધાર્મિક સંતો, મહંતો સહિત વગેરે ઉપસ્થિત રહેશે। આ અંગે નોર્થ કલ્ચર એસોસિએશનના પદાધિકારીએ વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। हे प्रभु, अगर हमें रंग में कोई लड़का आए तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे जरूर संग्राम करेंगे, जैसे आपने हमें आज ललकारा है। लेकिन हम रघुवंशियों का यह धर्म है कि गो ब्राह्मण और स्त्री पर प्रभाव नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए इन वचनों के साथ बोले तुम के नाकान काटिए, जो काटे तेरे नाकान वो जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे की पूजा मेरी रात से शत्रु उठाने में। धन्यवाद। ये आयोजन हम लोग पोलो ग्राउंड पे करते हैं पिछले 44 साल से। ये 44वीं रामलीला है, 43 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, 44वीं ये स्टार्ट करेंगे इस बार। और रामलीला पोलो ग्राउंड पे हमेशा हर साल करते हैं यहाँ पे, और हमें बहुत कोऑपरेशन मिलता है सबकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ से भी। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इसी स्टेज पे, इसी लेवल पे। मेहमान में तो शहर के जो अधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, पूर्व नेता हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, रेलवे के डायरेक्टर DRM हैं, एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, एज वेल एज ब्रिगेडियर साहब हैं, और भी कई अधिकारी भी इस तरीके आने वाले हैं। रामलीला का नाम तो एक ही हो सकता है रामलीला, क्योंकि उद्देश्य यह है कि अयोध्या जी में राम जी के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, तो इसके बाद से राम राज्य हो, तो ऐसी परिकल्पना की गई है कि जो आज का जो कल का जो मंचन होगा वो राम राज्य के ऊपर होगा, ऐसा हमारे डायरेक्टर श्री दास साहब ने, गोस्वामी जी ने डिसाइड किया हुआ है। कितने लोगों के आने की आशंका है? संभावना कहेंगे, आशंका नहीं कहेंगे, करीब 1 लाख लोग पोलो ग्राउंड पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, पुलिस के जवान रहेंगे, CCTV कैमरा रहेगा,
हमारे अपने पर्सनल सिक्योरिटी रहेगी और स्वयंसेवक भी रहेंगे जो सिक्योरिटी के दृष्टि से देखभाल करेंगे।